नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज बजट। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरसी गुवाहाटी के 2014 के पेपर के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि उस पेपर में मैथ्स और रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन आए थे और उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम ज्यादा देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर एक नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 2497 में वो कौन सी संख्या ऐड की जाए, जोड़ी जाए। तो जो जोड़ने पे जो बना संख्या है ना, 5, 6, 4, 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5, 6, 4, 3 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ गया, 60। अब हम चेक करेंगे जो संख्या है वो 60 के टेबल में जाता है कि नहीं जाता है, डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो हम डिवाइड करके देखते हैं तो आपके पास शेषफल कितना आ गया, 37। अगर ये 37 शेषफल नहीं आता तो वो संख्या पूरा डिवाइड हो जाता 2497। तो ये 37 जो आ गया ना, उसको क्या करेंगे, 60 में से घटा देंगे तो 23 आया। अब इस 23 को 2497 में जोड़ देना तो ये जो संख्या जो बनेगा ना, वो 60 से भाग लग जाएगा। अगर 60 से भाग लगेगा, इसका मतलब क्या है कि वो संख्या 5 से भी भाग लगेगा, 6 से भी भाग लगेगा, 4 से भी भाग लगेगा, 3 से भी भाग लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा है, 23 लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 916 गुना में x गुना में 3 इक्वल टू में 214, 344 कुछ लिखा हुआ है ना। तो हमें x का वैल्यू निकालना है, वो खाली स्थान का वैल्यू निकालना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे आमने सामने, तो ये 78 बार में कट जाएगा। तो आंसर देखिए ए, ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है, 78। अब दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक ट्रेन का स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। अगर इसका स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो जो उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचने का टाइम लगेगा वो 15 मिनट ज्यादा हो जाता है। अगर स्पीड कम हो जाएगा तो टाइम में उसको ज्यादा लगेगा जहां तक उसको जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों टाइम को घटा देंगे, T2 - T1 इक्वल टू में 15 आवर लिखा हमने। उसके बाद T का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि ट्रेन दोनों केस में इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है। अब D अपॉन में 35, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी कितना दिया है, दूसरा वाला 35 दिया है, पहला वाला वेलोसिटी कितना दिया है, तो D अपॉन में 40। तो दोनों को घटा दिया आपने तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 अपॉन में 60 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 15 मिनट लिखा था हमने, उसको आवर में कन्वर्ट किया। ठीक है, उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5D अपॉन में 35 मल्टीप्लाई 40 इक्वल टू में 15 अपॉन में 60। कभी मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, कैंसिल आउट कीजिए। तो कैंसिल आउट जब कीजिएगा तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 15 हो गया और 3 × 6 हो गया। अब क्या कीजिएगा, 2D इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई में 4, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार में, तो 35 × 70। देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है, 70 किलोमीटर। तो जो ट्रेन डिस्टेंस कवर करता है वो 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है रीजनिंग का, तो 532 से प्लस में 781 इक्वल टू में 21 लिखा है। तो ये कैसे लिखा है इसको देख लेते हैं। सभी संख्याओं को ऐड कीजिए, 5 + 3 + 2, 7 + 8 + 1 कितना आ गया, 26। 26 में से 5 जाएगा, 21 आ जाएगा। अगला देखिए, 862 यानी 8 + 6 + 2 + 9 = 10 है। तो 9 + 1 + 0 कितना आ गया, फिर से 26 आ गया, 26 - 5 = 21 आ जाएगा। इसी तरह इसको भी ऐड किया हमने तो 35 आया, 35 - 5 कितना होता है, 30 होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा है, 30 लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि काला को पीला बोलते हैं, पीला को नीला बोलते हैं, नीला को ग्रीन बोलते हैं, ग्रीन को सफेद बोलते हैं, सफेद को लाल बोलते हैं, तो दूध का रंग क्या होता है। तो दूध का रंग होना चाहिए सफेद, पर सफेद को हम क्या बोलते हैं, लाल बोलते हैं। तो यहाँ पे दूध का रंग क्या होगा, लाल, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखें तो एक जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक्सरे का खोज किया था, जो पहला है ना वो साइंटिस्ट का नाम दिया है, और जो उन्होंने खोज किया था ना वो एक्सरे का खोज किया था। दूसरे में बताना है कि किसका खोज किया था, तो रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था इन्होंने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में से एक आपको
गलत निकालना, एक छाटना है, क्लासिफाई करना है। तो यहाँ देखिएगा मंथ है दिसंबर, दूसरा मंथ क्या है फरवरी, तीसरा मंथ क्या है मार्च, चौथा मंथ क्या है जुलाई। तो आप जानते हैं कि फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं, तो ये सबसे अलग मंथ हो गया, तो क्लासिफाई करके क्या निकला, ऑप्शन नंबर बी फरवरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, सीरीज का है, तो आप पे एक के बाद 9 लिखा है, 9 के बाद 17, 17 के बाद 33, 33 के बाद 49, 49 के बाद 73, तो एक और 9 के बीच में कितने का गैप हो गया, 8 का गैप है, 9 और 8 के 17 के बीच में कितने का गैप हो गया, 8 का गैप, यानी गैप यहाँ सेम है। फिर उसके बाद 17 और 33 के बीच में 16 का गैप, 33 और 49 के बीच में 16 का गैप, यानी अब क्या हो गया, 8 ऐड किया गया, 8 में 16 आ गया। उसके बाद 49 और 73 के बीच में कितने का गैप है, 24 का गैप, तो यहाँ भी गैप क्या होगा, सेम होगा ना, तो फिर से हमने 24 का गैप लिया, तो आंसर क्या आ गया, 97, 73 प्लस में 24 97 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो नंबर का जो रेशियो दिया है वो 5:4 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद पहली संख्या 40%, पहली संख्या का 40% अगर 12 हो, 12 हो, तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, a:b लिखेंगे, पहला संख्या और दूसरा संख्या का रेशियो 5:4 हो गया। अब पहली संख्या को 5x माने, 5x का 40%, यानी 5x मल्टीप्लाई में 40/100 इक्वल टू में 12 हो गया, जब कैंसिल आउट किया तो हमने x का वैल्यू क्या निकाला, 6 निकाला। अब b इक्वल टू क्या है, 4x है, वहाँ 6 का वैल्यू पुट किया तो वो 24 हो गया, और 24 का 50% कितना होता है, 12 होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मिक्सर का क्वेश्चन है, तो उसमें बोला गया है कि अगर पुरुष से जो मेल के एम्प्लॉई है ना, उनके औसत, उनका जो औसत एज है वो 52 साल है, महिला जो एम्प्लॉई है ना उनका औसत एज कितना है, एवरेज एज कितना है, 42 साल है, 42 ईयर है, और सभी कर्मचारियों का जो औसत एज है ना, सभी एम्प्लॉई का जो औसत एवरेज एज है ना वो 50 ईयर है। तो अब आपसे पूछा गया है कि जो मेल है और फीमेल है उनका प्रतिशत क्या है, कितने परसेंट है वो, मेल और फीमेल का परसेंटेज निकालना है, तो सबसे पहले क्या लिखेगा, मेल, फीमेल, मेल के नीचे आपने क्या लिखा 52 साल, और उसके बाद फीमेल के नीचे लिखा 42 साल, 42 ईयर, अब दोनों मिला के कितना है, 50 साल है। अब क्या कीजिएगा, 42 में से 50 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 है, और 52 में से 50 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। अब क्या कीजिएगा, मेल आपको पता कितना चल गया, 8 हिस्सा है, फीमेल कितना हो गया, 2 हिस्सा हो गया, तो रेशियो क्या आ गया, 8:2 आ गया। अब मेल निकालना है, 8/ टोटल कितना पार्ट है, 8 × 2 = 10 हिस्सा, यानी 8/10 है, परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से गुना किया जाता है, मल्टीप्लाई में 100। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई फ्रैक्शन होगा उसको परसेंटेज में बनाना होगा ना, तो 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हमने यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 80%। जब 80% मेल होंगे तो जाहिर सी बात है ना कि 20% क्या होंगे, फीमेल होंगे, तो 20% क्या हो गया, फीमेल हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए, 80% मेल, 20% फीमेल, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इंक का रिलेशन किसके साथ है, पेन के साथ है, तो पेट्रोल का रिलेशन किसके साथ होगा, हमें ये निकालना है। तो इंक किस में जाता है, पेन में होता है, पेन में इंक डाला जाता है ना, तो पेट्रोल किस में जाता है, कार में जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में डीजल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मास्टर को OCUVGT लिखा गया, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास्टर को कॉलम में लिखा और जो उसके सामने उसका कोड है उसको कॉलम में लिखा। अब देखा हमने कि मास्टर का जो वर्ड है वो अगले कोड में कॉमा नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, सबका कोड लिखेंगे, मास्टर का जैसे एम का कोड कितना होता है, 13, ए का कोड कितना होता है, अल्फाबेट में 1 होता है, एस का 19 होता है, टी का 20 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है, उसी तरह उसके बाद हमने ओ का 15 लिखा, सी का 3 लिखा, यू का 21 लिखा, बी का 22 लिखा, जी का 7 लिखा, टी का 20 लिखा। अब देखा कि 13 और 15 में गैप कितने का, 2 का गैप है, तो +2 हो गया। इसी तरह देखिए सब में 2-2 का गैप है, तो अब हम क्या करेंगे ना, लेबर का कोड लिखेंगे, लेबर का कोड लिखा हमने और 2-2 का गैप ले लिया। अब उसके बाद नया कोड आपके पास आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए कि अगला क्वेश्चन, नेशन को 4672 34 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, नेशन के नीचे नेशन का कोड लिखेंगे, अर्न के नीचे अर्न का कोड लिखेंगे, तो अब अटेंशन का कोड आ जाएगा ना, तो अटेंशन का कोड निकालना है, तो देखिए ए का कोड कितना है, 6 है, तो 6 लिखा, टी का कोड कितना है, 7 7, तो 2 7 आ गए, ई का कोड देखिए कितना है, 1 1 आ गया, एन का कोड कितना है,
एन का कोड हो गया 4, तो 4 लिखा आपने। टी का कोड कितना है 7 हो गया, आई का कोड 2 हो गया, ओ का कोड 3 है और एन का कोड 4 है। तो देखिए कोड क्या आ गया 6771472 34, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों जो मैंने आपको अभी बताया वो आपको समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा। और आशा करता हूँ कि आज का दिन आपका काफी अच्छा हो। थैंक यू।